हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। मैं हूं सूरज शर्मा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिव पुराण का एक छोटा सा मैंने चैप्टर लिया हुआ है जिसमें जालंधर का स्टोरी कवर होता है। पहले ही बता देता हूँ, जितना मुझे अभी ध्यान है मैं उतना ही आपको बताऊंगा। कहीं कोई त्रुटि रह जाए, मुझसे गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ जालंधर की। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव ने लीला की और उन्होंने एक मुनि का वेश धारण किया। एक मुनि के वेश में थे वो। अभी उनके सामने बृहस्पति और भगवान इंद्र आ जाते हैं। ये बृहस्पति भगवान इंद्र के आने के बाद इंद्र जो है उनसे पूछता है, एक्चुअल में ये दोनों जो थे भगवान इंद्र और बृहस्पति, वो भगवान शिव से ही मिलने कैलाश पर्वत पे गए थे। लेकिन भगवान शिव जो थे उन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक मुनि का वेश धारण किया और द्वार पर ही वो बैठ गए। अभी इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाया। इंद्र ने मुनि से पूछा, हे मुनि, भगवान शिव कहाँ मिलेंगे? भगवान शिव ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, आंसर नहीं किया। इसके बाद वो फिर से पूछा, सेम भगवान शिव ने रिप्लाई नहीं दिया। और वो ऐसा 2-3 बार करने के बाद उसके अंदर क्रोध जागृत हो गया। लेकिन भगवान शिव तो भगवान शिव हैं, उसके क्रोध से भगवान शिव तनिक भर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी साधना में लगे रहे। अभी इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया और वो भगवान शिव की तरफ मोड़ा। अभी ये सारी सीन देख के भगवान शिव अपनी जो है तीसरी आँख, या फिर आप कह सकते क्रोध में आ गए। और उनका ये क्रोध और लालिमा देख के, जहाँ इंद्र के साथ जो बृहस्पति ऋषि थे वो सारी चीज़ समझ गए, वो समझ गए ये मुनि के वेश में भगवान शिव हैं। और उन्होंने इससे पहले कि इंद्र को रोकते, भगवान शिव ने इंद्र को वहीं की वहीं जड़ कर दिया, मतलब कि वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा। इसके बाद में बृहस्पति ऋषि ने बताया कि मूर्ख, ये भगवान शिव हैं और तो ये गलत कर रहा है। तो अभी ये सब होने के बाद इंद्र ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। उसके बाद भगवान शिव अपने रूप में आ गए, उन्हें दर्शन दिए। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव ने उन्हें एक चीज़ कही कि अभी मेरे क्रोध से जो मेरे सिर के ललाट पे जो एक अग्नि उत्पन्न हुई है उसे मैं कहाँ प्रस्थापित करूँ, क्योंकि वो अग्नि इंद्र को भस्म करने के लिए उत्पन्न हुई थी। तो बृहस्पति ऋषि की विनती स्वीकारते हुए उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में स्थापित कर दिया। समुद्र में वो अग्नि चली गई। अभी उसी अग्नि से जालंधर उत्पन्न हुआ। जालंधर समुद्र का पुत्र भी जिसे कहा जाता है वो उत्पन्न हुआ। जालंधर शुरू से ही एक बहुत ही अधार्मिक प्रवृत्ति वाला रहा, एक राक्षस के रूप में वो पैदा हुआ और उसने अपने जीवन भर काफ़ी अधार्मिक कार्य किए। देवता, सारे देवता उससे परेशान हो गए और वो सबसे पहले तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि आप निर्भय हो जाइए, मैं जालंधर का वध कर दूंगा। तो अभी भगवान विष्णु उसका वध करने जैसे ही अपने वैकुंठ लोक से निकल ही रहे थे कि लक्ष्मी माता ने हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु से विनती की कि आप जालंधर का वध ना कीजिए, क्योंकि जालंधर कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का भाई था। क्योंकि माता लक्ष्मी भी आप जानते होंगे कि समुद्र मंथन के समय समुद्र में से उत्पन्न हुई, तो उस रिश्ते से जालंधर भाई हुआ, क्योंकि जालंधर भी समुद्र का ही पुत्र था। अभी भगवान विष्णु ने सोचा कि माता की विनती स्वीकार करते हैं और वो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जालंधर का वध नहीं करेंगे। अभी भगवान विष्णु जालंधर को के साथ युद्ध करने के लिए चले जाते हैं और एक भयंकर युद्ध जालंधर के साथ उनका होता है। लेकिन जैसा कि वो जालंधर का वध नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने लास्ट में जाके जालंधर से ये कहा कि तू बहुत ही बलवान है, मैं तेरे इस बल से, पराक्रम से प्रसन्न हुआ हूँ, मांग क्या मांगता है। तो जालंधर ने भगवान विष्णु से ये मांगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए उनके निवास स्थान पर स्थापित हो जाएं, उनके घर पर आ जाएं माँ लक्ष्मी के साथ। तो ये आमंत्रण स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु हमेशा के लिए जालंधर के यहाँ माँ लक्ष्मी के साथ विराजित हो गए। लेकिन जालंधर इसके बाद भी पापी ही बना रहा। उसने काफ़ी सारे बहुत सारे अधर्म किए। फिर से देवता त्राही करते हुए अब इस बार भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव से जालंधर का वध करने की विनती की। अभी भगवान शिव ने सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को वहाँ बुलाया और पूछा कि आपने जालंधर का वध क्यों नहीं किया। तो भगवान विष्णु ने सारी कहानी बताई कि जालंधर प्रभु आपका ही अंश है और दूसरा वो माँ लक्ष्मी का भ्राता भी है, इस वजह से मैंने उसे
नहीं मारा। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं जालंधर का वध कर दूं। अब भगवान शिव जालंधर का वध करने निकल जाते हैं अपनी सेना के साथ और एक भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। जालंधर भगवान से उसे जीत नहीं पा रहा था, उसके सारे अस्त्र शस्त्र भगवान ने ध्वस्त कर दिए और बार बार वो पराजित हो रहा था भगवान से। ये सारी चीजें देखकर जालंधर समझ गया कि भगवान शिव को हराना उसके लिए असंभव है। अभी वह सोचने लगा कि चलिए कुछ माया करता हूँ जिससे कि इस युद्ध को टाल सकूँ या इस युद्ध को मैं जीत सकूँ। तो वो एक माया रचता है और काफ़ी सारे गंधर्व वहाँ गंधर्व अप्सराएं उत्पन्न कर देता है, वहाँ नृत्य गान होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर भगवान शिव भी थोड़ा सा मोहित हो जाते हैं और इसी समय का फायदा उठा के जालंधर माँ पार्वती के पास पहुँच जाता है भगवान शिव के भेष में। माँ पार्वती देखते ही उसे समझ जाती हैं कि ये भगवान शिव नहीं, इनके भेष में कोई राक्षस है। माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और तुरंत ही भगवान विष्णु को बुलाती हैं। भगवान विष्णु माता जी के को प्रणाम करके पूछते हैं कि माँ बताइए मुझे क्या आज्ञा है। यहाँ पर माँ पार्वती उन्हें कहती है कि आपको जो उचित लगे आप करिए। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि जालंधर का वध करने के लिए उनकी पत्नी वृंदा का वध नहीं उनका धर्म भंग करना आवश्यक है। इस वजह से वो जालंधर का ही रूप रख के वृंदा के घर पहुंच जाते हैं और उनका धर्म भंग कर देते हैं। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होता है वैसे ही जालंधर की जो माया है वो भी समाप्त हो जाती है। भगवान शिव भी समझ जाते हैं कि अब इसका वध संभव हो पाएगा और तुरंत ही जालंधर का वध हो जाता है। तो आज मैंने आपको जालंधर की ये कथा सुनाई। कहते हैं कि इस भगवान शिव की इस लीला और इस कथा को सुनने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती। धन्यवाद आपका इस कथा का श्रवण करने के लिए। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।